प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति के रूप में मनाने का आह्वान किया। इसी कड़ी में अजमेर में गांधी भवन में एक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। संयोजक कंवर प्रकाश कृष्णानी ने बताया कि भारत की वर्तमान और भावी पीढ़ियों के विभाजन के दौरान लोगों की ओर से सही गई यातना का स्मरण दिलाने के लिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया गया था। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है, साथ ही युवा पीढ़ी को बताना है कि देश के बंटवारे का दर्द कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ रहा है और जान गंवानी पड़ रही है। देश का विभाजन, विभाजन, विभाजन। 14 अगस्त 1947 को जब देश का विभाजन हुआ, उस समय निश्चित रूप से लोगों ने अपनी जमीन छोड़ दी, जायदादें छोड़ दी, यश छोड़ दिया। निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि यदि कोई एक आदमी को मकान से बाहर निकाला जाता है तो उसका सब कुछ खो जाता है, वो घर बेघर हो जाता है। एक पूरा वर्ग, करोड़ों की संख्या में लोग अपने घर को छोड़कर 14 तारीख को निकल गए। सिंधी समाज, अन्य समाज जो उससे त्रस्त थे, उन लोगों ने निश्चित रूप से स्मृति दिवस के रूप में 14 तारीख को मनाया। परंतु मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की व उनकी टीम को, जिन्होंने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में इस दिन को मनाने का फैसला किया। इसकी प्रदर्शनी के रूप में लोगों को जानकारी पहुंचे कि कितनी त्रासदी थी, इस सब चीज़ों को देखना बहुत। 14 अगस्त 1947 को भारत का दुर्भाग्यपूर्ण दर्दनाक विभाजन हुआ, जिसके कारण से हजारों लाखों परिवार अपने स्थान से बेघर हुए, बच्चे का माता पिता से अलग हुए और कई माताएं अपनी गोद उनकी सोनी हो गई, कई महिलाओं के अपने पति मारे गए। इस प्रकार के विभीषिका, जिसके कारण से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आए, दर दर भटकते रहे और वहाँ पे उनकी सारी संपत्ति का उन्होंने पूरी क्रूरता के साथ सत्यानाश किया और वह क्रूरता आज भी लोगों को स्मृति दिलाते हैं। मैं समझता हूँ कि नई पीढ़ी, जिसको उस समय की इस विभीषिका से कोई भी जानकारी नहीं है, अपने माँ बाप से हम लोग सुनते हैं, मैं भी उस परिवार का हूँ जिन्होंने विभीषिका का पिताजी बताया करते थे कि सहन किया, ऐसे के लिए आज मोदी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने उस विभीषिका की स्मृति हमारे हृदय पटल पर बनी रहे और नए पुराने लोगों को मालूम रहे, इस प्रकार के मनाने का जो दिवस तय किया। और आज भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय अजमेर शाखा ने इसको देश भर के आह्वान पर यहाँ पे एक छोटी